दोस्तों आज की वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए पांच ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज जिनकी शुरुआत आप कर सकते हो अपने घर से ही, वो भी सिर्फ 4 से 5 हजार रुपए में। तो अगर आपके पास बिजनेस शुरू करने के लिए 4 से 5 हजार रुपए है तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। हे दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आप देख रहे हैं कमाओ और कमाने दो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए कस्टमर की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मार्केट में जो भी सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं वो कस्टमर की साइकोलॉजी को बहुत ही अच्छे से जानते हैं, उसी के हिसाब से वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, एडवर्टाइजमेंट चलाते हैं और अपने बिजनेस को कस्टमर के सामने इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदता ही खरीदता है। दोस्तों, कस्टमर की एक बेसिक साइकोलॉजी होती है, उसको हमेशा कुछ नया चाहिए। अगर उसके सामने सेम प्रोडक्ट नए तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो वो उसको इजीली पिकअप कर लेता है। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, मार्केट में एक ब्रांड है जो सिर्फ चाय बेचकर बहुत बड़ा बन गया, उसका नाम है येवले अमृतुल्य। लोग पहले भी चाय पीते थे, ये भी लोगों को चाय पिला रहा है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसने लोगों की साइकोलॉजी को समझा और सेम प्रोडक्ट को नए तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट किया और सक्सेसफुल बन गया। देखिए दोस्तों, पहले जो चाय गंदी सी दुकान में मिलती थी उसी चाय को इसने साफ सुथरे ढंग से लोगों को देना शुरू किया और आज येवले अमृतुल्य कितना बड़ा ब्रांड बन गया ये सब जानते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको जो 5 बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं, अगर आप उनको भी शुरू करके नए ढंग से कस्टमर के सामने प्रेजेंट करते हो तो चांसेस हाई है कि आपको भी सक्सेस मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल सब लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। आपका एक शेयर करना किसी को आत्मनिर्भर बना सकता है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहला बिजनेस आइडिया है कैंडल्स मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस की शुरुआत आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ। कैंडल्स को बनाने के लिए आपको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं होगी, आप सिंपली यूट्यूब पे वीडियोस देख के सीख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बताया गया है कि अलग अलग प्रकार की कैंडल्स को कैसे बनाया जाता है। कैंडल्स बनाने के लिए आपको 4 चीजों की जरूरत होगी, पैराफिन वैक्स, मोमबत्ती का धागा, कलर्स, मोल्ड। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सुगंध वाली कैंडल्स बनाना चाहते हैं तो आपको परफ्यूम की भी जरूरत होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, कैंडल्स की डिमांड इंडिया से ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में है। जैसे हम भगवान की पूजा करने के लिए अगरबत्ती और दीपक का इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार फॉरेन कंट्रीज में भगवान की पूजा करने के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अरोमा थेरेपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, माइंड को रिलैक्स करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और घरों को डेकोरेट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हमारे देश से बड़े पैमाने पर कैंडल्स को अमेरिका, इंग्लैंड, आयरलैंड और भी बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, एक रिसर्च में पाया गया, अमेरिका में जो लोग कैंडल्स खरीदते हैं वो कैंडल खरीदने के अगले 7 दिन के अंदर उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप अमेरिका को टारगेट कर सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आप कैंडल्स को बाहर के देशों में बेचोगे कैसे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जवाब बहुत ही आसान है। अगर आपको अपनी कैंडल्स को बाहर के देशों में बेचना है तो आपको अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाना होगा। और अगर आप नहीं जानते कि ई कॉमर्स स्टोर कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ई कॉमर्स स्टोर बनाने के लिए आप ज़ायरो की हेल्प ले सकते हैं। ज़ायरो एक वेबसाइट बिल्डर है जिसके ऊपर आपको बहुत सारे प्री मेड ई कॉमर्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, जिनको सिंपली आप एडिट करके अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो, वो भी बिना किसी कोडिंग के, सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। सिर्फ 1125 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकते हो और अपने कैंडल्स को विदेशों में बेच सकते हो। ज़ायरो की मदद से ई कॉमर्स स्टोर बनाने के बाद आपको सिंपली क्या करना होगा, आप जितने भी प्रकार की मोमबत्ती बनाते हैं, मतलब कैंडल्स बनाते हैं, उनके डिजाइन आपको अपने ई कॉमर्स स्टोर पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद में फेसबुक और गूगल पे एडवर्टाइजमेंट चलाना होगा। जैसे ही आप एडवर्टाइजमेंट चलाएंगे तो आपको सेल्स आने लग जाएंगे, इस प्रकार दोस्तों आपका भी माल बिकने लग जाएगा। दूसरा बिजनेस आइडिया है चॉकलेट मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, आप इस बिजनेस की शुरुआत भी बहुत ही आसानी से कर सकते हो और महीने के अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। आप खुद जानते होंगे, चॉकलेट एक ऐसी चीज है जिसको हर कोई खाना पसंद करता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले लोग फेस्टिवल में एक दूसरे को मिठाई के बॉक्स दिया करते थे, लेकिन आजकल ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, लोग अब चॉकलेट के बॉक्स देते हैं। क्योंकि दोस्तों, मिठाई की जो सेल्फ लाइफ होती है वो 2 दिन से लेकर 7 दिन तक होती है, वहीं चॉकलेट महीनों महीनों खराब नहीं होती।
इसलिए इसकी डिमांड मार्केट में लगातार बढ़ती जा रही है। चॉकलेट मेकिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों की जरूरत होगी, चॉकलेट कंपाउंड, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट मोल्ड्स। ये तीनों चीजें आपको अपने आसपास के होलसेल मार्केट में भी मिल जाएगी और अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। दोस्तों, चॉकलेट बनाने के लिए आप जिस भी तरह की चॉकलेट बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आपको चॉकलेट कंपाउंड लेना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डार्क चॉकलेट बनाना चाहते हैं तो आपको डार्क चॉकलेट के कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। उसको आपको क्या करना होगा, गैस के ऊपर आप उसको मेल्ट करने के लिए छोड़ना होगा। जैसे वो मेल्ट हो जाए तो उसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट डालना है या फिर जो भी चीज आप डालना चाहते हैं वो डालना होगा। उसके बाद में उसको चॉकलेट मोल्ड के अंदर डाल के जमने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में आपकी चॉकलेट बनकर तैयार हो जाएगी, जिसको आपको पैक करना है और मार्केट में बेचने के लिए भेज देना है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि चॉकलेट का इस्तेमाल ज्यादातर गिफ्ट करने के लिए किया जाता है, जैसे कि शादी में, दिवाली में और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स में, तो आपको चॉकलेट की पैकिंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा। आपका चॉकलेट का पैकिंग इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि लोग उसको खरीद कर गिफ्ट करना पसंद करें। दोस्तों, मान लीजिए आपने चॉकलेट बना ली, उसको अच्छे से पैक भी कर लिया, लेकिन आप उसको बेचेंगे कैसे? बेचने के लिए आपको जरूरत होगी ई कॉमर्स स्टोर की, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा एक दूसरे को गिफ्ट की जाने वाली चॉकलेट ज्यादातर ऑनलाइन बिकती है। इसके अलावा दोस्तों, आप बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी से भी टाइप कर सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट कंपनीज में क्या होता है, वो हमेशा अपने एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ गिफ्ट करते रहते हैं। तो अगर आपने 3-4 कॉर्पोरेट कंपनी से टाइप किया होगा तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्डर्स आते रहेंगे, हर महीने आपके पास कुछ ना कुछ काम जरूर रहेगा। लेकिन दोस्तों, कॉर्पोरेट कंपनीज भी आपको तभी एंटरटेन करेगी जब आपकी कंपनी का प्रोफाइल अच्छा हो, आपका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा हो, और ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आपको जरूरत होगी ई कॉमर्स स्टोर की। आप ई कॉमर्स स्टोर कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप ज़ायरो की हेल्प ले सकते हैं, आपको सिंपली ज़ायरो की वेबसाइट पे जाना है और अपना ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करना है। दोस्तों, अगर आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं, कमाओ 30। आप एक साल का कोई भी प्लान लेते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, ज़ायरो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपली उस पर क्लिक करके और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस आइडिया है वर्चुअल असिस्टेंट बिजनेस। अब दोस्तों, अगर आपको नहीं पता कि वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने घर से ही दूसरों को उनके काम में असिस्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको वीडियो एडिटिंग बहुत अच्छे से आती है तो आप किसी यूट्यूब चैनल के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। तो आपको जो भी वीडियो एडिटिंग का काम मिलेगा वो काम आपको अपने घर से कंप्लीट करके उनको देना होगा, जिसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन आपको जिस किसी भी फील्ड में नॉलेज है उस फील्ड में आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। जैसे कि कंपनीज के अकाउंट को हैंडल करना, ऑर्डर प्रोसेसिंग, कस्टमर सपोर्ट, शेड्यूलिंग करना, कंपनी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करना और भी बहुत सारे काम होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल छोटी छोटी कंपनीज अपना ज्यादातर काम वर्चुअल असिस्टेंट से कराती है, वो लोग एम्प्लॉयज को हायर नहीं करते, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉयज को हायर करेंगे तो उनके बैठने का अरेंजमेंट करना होगा, उनको काम करने के लिए कंप्यूटर की जरूरत होगी तो उसका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ऐसे और भी बहुत सारे खर्चे जुड़े होते हैं। तो अगर वो वर्चुअल असिस्टेंट को हायर करते हैं तो ये सारे खर्चे बच जाते हैं, उनका प्रॉफिट हो जाता है। तो आपको जिस किसी भी फील्ड में नॉलेज है उस फील्ड में आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि आपको ऑर्डर्स कहाँ से मिलेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ऑर्डर्स के लिए आपको अपनी वेबसाइट बनानी होगी, पोर्टफोलियो वेबसाइट। उसके ऊपर आपने जो भी काम किया होगा अपने वर्क एक्सपीरियंस को डिस्प्ले करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बार फिर से वीडियो एडिटिंग का एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आप वीडियो एडिटर हैं तो आपने किसी ना किसी कंपनी के लिए वीडियो एडिटिंग का काम तो जरूर किया होगा। तो आपने जो भी काम किया उसके छोटे छोटे क्लिप्स काट कर आपको अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट के ऊपर डालने होंगे, और वो पोर्टफोलियो वेबसाइट आपको उन लोगों को सेंड करनी होगी जहाँ से आपको काम मिलने की उम्मीद है। अब आप पोर्टफोलियो वेबसाइट कहाँ से बनवाएंगे? दोस्तों, आप पोर्टफोलियो वेबसाइट भी ज़ायरो की मदद से बना सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़ायरो एक वेबसाइट बिल्डर है, तो आप पोर्टफोलियो वेबसाइट या किसी भी तरह की वेबसाइट ज़ायरो की मदद से बना सकते हैं। दोस्तों, पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाने का कॉस्ट तो 300 रुपये पर मंथ से भी कम पड़ता है। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, ज़ायरो का लिंक तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चौथा बिजनेस आइडिया है पिकल मेकिंग बिजनेस। दोस्तों, पिकल का मतलब होता है अचार। अचार बनाकर बेचने का बिजनेस भी बहुत अच्छा बिजनेस है, जिसको आप आसानी से अपने घर से शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे घर में जो महिलाएं होती हैं वो अलग अलग तरीके का अचार बनाना जानती है, तो आप उनकी मदद ले सकते हैं और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अचार बनाने के लिए आपको जिन जिन चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो आपको अपने आसपास के किराना स्टोर में आसानी से मिल जाएगी। अगर आप ये बिजनेस शुरू करते हैं तो आप दो तरीके से बेच सकते हैं। सबसे पहला, आप ऑफलाइन बेच सकते हैं, मतलब आपके आसपास में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, उनको माल बेचने के लिए दे सकते हैं। दूसरा, ऑनलाइन मेथड। इसमें आप अचार बनाकर Amazon और Flipkart के साथ रजिस्टर करके बेच सकते हो, या फिर आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, अपनी वेबसाइट के ऊपर अपने सारे प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बेच सकते हो, ठीक उसी तरह जैसे मैंने आपको कैंडल मेकिंग बिजनेस और चॉकलेट मेकिंग बिजनेस के लिए बताया।
पांचवा बिजनेस आइडिया है ऑनलाइन रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों इस तरह के बिजनेस में आपको होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट खरीद कर लाना होगा और उसको ऑनलाइन बेचना होगा। मान लीजिए आप साड़ी खरीद कर लाते हैं, उसको आप अपने प्राइस में बेच सकते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे आसपास में जो रिटेलर्स होते हैं वो बेचते हैं, क्योंकि वो लोग भी एक तरह से रीसेलिंग का बिजनेस ही कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप ये बिजनेस दुकान लेकर शुरू करते हैं तो आपको ज्यादा माल खरीदना होगा, जिसके लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आपकी दुकान भरी भरी नहीं लगेगी तो कस्टमर को लगेगा इनके पास ज्यादा वैरायटी नहीं है, तो इनके पास जाके कोई फायदा नहीं है। दोस्तों अगर आप ऑनलाइन रीसेलिंग का बिजनेस शुरू करते हैं तो आप 4,000 से 5,000 रुपए के इन्वेस्टमेंट में भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ एक ई कॉमर्स स्टोर की जरूरत होगी, ताकि कस्टमर उस पर विजिट करके प्रोडक्ट को खरीद सके। आपका ई कॉमर्स स्टोर इतना प्रोफेशनल होना चाहिए कि कस्टमर को लगना चाहिए कि वो किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट खरीद रहा है। इसके अलावा दोस्तों आपके ई कॉमर्स स्टोर पे वो सारे फीचर्स भी होने चाहिए जो आपको बिजनेस मैनेज करने में हेल्प करे, जैसे कि ऑर्डर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, शिपिंग मैनेजमेंट, ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेशन, पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन। दोस्तों ये सारे फीचर्स वाला प्रोफेशनल ई कॉमर्स स्टोर आप बना सकते हो ज़ायरो की मदद से। अगर आपको 30% का डिस्काउंट चाहिए तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया आपको मेरा कूपन कोड यूज करना होगा कमाओ 30। ज़ायरो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उस पर क्लिक करके और भी डिटेल्स चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए कमाने के तरीकों के साथ।